ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार देने की योजना संचालित की जा रही है। इस योजना से ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन समय पर मजदूरी नहीं मिलने से इस योजना से ग्रामीणों का मोह भंग होते नजर आ रहा है। मजबूरन जिले के आदिवासी क्षेत्रों से मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जाने को मजबूर हैं। ऐसा ही मामला भगवानपुरा जनपद के ग्राम गुजर बावड़ी से सामने आया है, जहां तालाब निर्माण में काम करने के बाद भी अब तक मजदूरों को मेहनताना नहीं मिल पाया है। इसकी शिकायत बुधवार को ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से भी की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। गुजर बावड़ी से आए भैया हमारे मनरेगा में काम किए थे, उसके पैसे नहीं मिलने के कारण हम कलेक्टर आए हैं और मनरेगा के पैसे नहीं मिले और शौचालय नहीं बने गाँव में, और जो आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना बनी थी उसके भी पैसे मजदूरी के 1 रुपया नहीं मिला अभी तक करके हम आए हैं। कितने लोग थे ऐसे काम करने वाले? काम करने वाले 400 लोग थे। किसी को भी पैसा नहीं मिला? किसी किसी को मिला है और किसी किसी को नहीं मिला, बहुत आधे 75% नहीं मिला है। कभी सरपंच सचिव से मिले क्या कहा? वो सरपंच सचिव बोलते हैं कि जो वो कागज ले जाके बताते हमको कि ये डल गए, इसमें डल गए, हमको बता दो, हमको सबूत दो, बोल रहे हम कि किस में डले है, कौन से खाते में डले वो हमको। अच्छा, राशन कार्ड में राशन कार्ड मिल रहा है? बंद है, कुछ क्या कारण से बंद है वो नहीं बता पा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं तो हमको बोलते कि वो चालू नहीं होंगे, ऐसा बोल देते हैं। तो बीपीएल कार्ड थे आपके? हाँ, बीपीएल कार्ड। क्या चाहते हैं अब आप? वो चालू हो जाए और सब गरीब लोग को अनाज मिले, ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? घमंडी किराड़े। कहाँ से है? गुजर बावड़ी से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।